रिकॉर्डिंग प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूपीएससी सीएससी क्वेश्चन पेपर। विच ईयर आशिक? 2012, 2012 और 13? 12 सॉरी 12 सर। 12 ऑन। ओके, वी आर पिकिंग अप द 12 एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ वी गोइंग टू सी द क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द वे द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड वी विल टेक अवे आवर लर्निंग्स। द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। व्हाट इज द रोल और पावर ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा हैज पावर टू हाँ, फर्स्ट इज करेक्ट। प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड। बिल्कुल सही बात है। ओनरशिप ऑफ माइनर प्रॉपर्टीज, ये भी बात मानता हूं मैं। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग परस्पेक्टिव लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल एरिया। यहाँ सर रिकमेंडेशन। बोलिए। मैंने हाँ तो सर, करेक्ट किया है ये कि रिकमेंडेशन रिकमेंड एनी किया मिनरल लिखा हुआ सर। एटॉमिक जाता मिनरल रहेगा तो यहाँ मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए। है। तो ट्रू होना चाहिए वैसे हाँ, तो। उस पर्टिकुलर एरिया में तो रिकमेंडेशन तो ले ही सकते हैं। रेयर अर्थ होगा या एटॉमिक होगा तो पता नहीं, इसलिए सर एनी मिनरल से मैं मानता हूं आपकी बात। तो यूपीएससी ने क्या दिया है इसका आंसर? इसका आंसर बी है सर, यू वांट टू से दैट वी हैव टू, यस, वन एंड एनी टू। मिनरल में यहाँ पे हमें यही देखना है कि एनी मिनरल में तो एटॉमिक मिनरल भी आता है, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी आते हैं, तो मे नॉट बी एवरीवेयर, दैट आई एग्री। माइनर सो और दैट मेजर होता है ना सर, तो माइनर अब मुझे माइनर और लगा कि मेजर है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, चलिए आगे, कोई बात नहीं। तो आपने मानसी तीनों मारे थे ना, हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। पर्पज ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इज टू एडजर्नमेंट मोशन। डिस्कशन ट्वेल्व ऑन ऑफ डिफरेंट डिस्कशन ऑन मैटर डिफरेंट ऑफ अर्जेंट मैटर ऑफ लाइक इम्पोर्टेंट। अर्जेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए, एनबीए चेक्स बायो पायरेसी, प्रोटेक्ट इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल टू जेनेटिक रिसोर्सेज, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट पे आओ। एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स वो साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सही, क्रॉप प्लांट्स, फॉल्स डायरेक्टली मॉनिटर्स। होगा, एनबीए नहीं तो करेगा। जेनेटिकली हाँ, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी एक होती है, कमेटी होती है। जीएसी। जीएसी एनवायरमेंट मिनिस्टर। एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट राइट रिलेटेड टू जेनेटिक बायो रिसोर्सेज आर मेड विदाउट द एप, कैन नॉट बी मेड। हाँ ठीक है, ये बात था, ठीक है, सेकंड रॉन्ग है। चलिए, सी सी आप देखो डायरेक्टली और फिर वहां पे एनी, यू नो दिस इज हाउ यू हैव टू पिक अप। एनजीटी राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट, सही बात है। ट्रू। लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। सो ये तो नहीं होगा, रॉन्ग है। तो प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज आल्सो फॉल्स। पावर और फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन अंडर आर्टिकल 243 है। क्या बोलता है आशिक? प्रवेश ये फॉल्स है। मुझे पूछना ऑल है, नजर। एनजीटी जो बना है वो खाली पहले वाले को देख के बना है। हाँ, पहले वाले को देख के बनाया, दूसरा तीसरा नहीं हो सकता। चलिए आगे। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ नेशनल वाटर मिशन, इफ, ओके, इफ है इसका मतलब, यानी कि ये पॉलिसी और स्कीम नहीं है, अब आपका दिमाग चलना चाहिए। पार्ट ऑफ वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरिया विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, मैं मानता हूँ। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोस्टल सिटीज विल बी मेट बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये भी बात सही, मैं एप्रोप्रिएट मानता टेक्नोलॉजी। हूँ। हाँ ट्रू सर। ऑल ऑल द रिवर्स ऑफ रिवर ऑफ हिमालयन, ऑल द रिवर्स ऑफ बेलेटिस्ट। हिमालयन रीजन विल बी लिंक टू द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट नहीं रुक जाए, अब चौथा भी तो पढ़ ले। द एक्सपेंसिज इन अकर्ड बाई फार्मर्स फॉर डिगिंग कंप्लीटली बोरवेल्स एंड बाय गवर्नमेंट। फॉर इंस्टॉलिंग मोटर एंड पंप सेट टू ड्रॉ विल बी कंप्लीटली रियम्बर्स, ये भी गलत है। चौथा गलत है मेरे हिसाब से, तीसरा तो फिर भी ठीक थर्ड है। भी नहीं हाँ, सर, ऑल द रिवर, सब रिवर को कैसे थर्ड कनेक्ट कैसे करते हो हैं? जाए, थर्ड भी नहीं हो ना थर्ड भी नहीं हो सकता सकता, ना, चलो कैसे मान लिंक लिया, करूंगा। ठीक बात है, सही बात है। चलो, डीपीएसपी सिक्योरिंग द सिटीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म फर्स्ट सही है सिविल सर, कोड। सेकंड भी सही है, फोर्टी हाँ ठीक है, चलो आगे चलो। फोर्टी फोर प्रिंसिपल्स पूछे कि विच फोर ऑफ देम आर फोर्टी गार्डन सेकेंड प्रिंसिपल। सही है। फोर्थ में लिखा है प्रमोटिंग रीजनेबल कॉटेज लीजर, इंडस्ट्रीज, ठीक है सिक्योरिंग ऐसा ऑल रहेगा तो वर्कर्स सर, रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल लीजर अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ गांधियन गलत प्रिंसिपल्स। हाँ तो फोर्थ गलत हो गया। है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन टेरिटरीज आर नॉट हाँ, रिप्रेजेंटेड इन नॉट राज्यसभा।
फॉल्स, इट फॉल्स। इज विद इन द परव्यू ऑफ हाँ द चीफ इलेक्शन कमीशन टू एजिटेट द इलेक्शन डिस्प्यूट, फॉल्स, इस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाँ ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा गलत एंड है सर, फॉल्स फॉल्स एंड प्रेसिडेंट, तो ये फॉल्स। प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है, चलो आगे चलो। ये क्या है आपका, कंज्यूमर कोर्ट, विद द कंज्यूमर कंज्यूमर राइट्स प्रिविलेजेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स राइट। व्हेन कंज्यूमर फाइल्स अ कंप्लेंट इन एनी कंज्यूमर फोरम, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। ट्रू इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ ए ट्रू, फॉल्स कंज्यूमर, हाँ सेकंड सेकंड होना फॉल्स चाहिए है सर। ना, सेकंड तो सर ये सेकंड वैसे फॉल्स तो ही है, होगा कुछ थोड़ी तो हो सकता, 5,00 रुपए कोई तो भी अपने लेते आगे बोल हैं। सर, कोई भी आ जाएगा ना कि हमें, हम भी करेंगे। तो हाँ 5,00 रुपये कुछ तो होगा, 5,00 लेकिन कुछ मैंने तो होगा फर्स्ट आवश्यक। वाला भी रॉन्ग मार्क किया कि मतलब हर एक कंज्यूमर सैंपल लेने के लिए पहुंच गया, तो फिर अरे प्रैक्टिकल हर एक नहीं यार, मतलब कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स इतने सारे हैं कि दे आर एम्पावर्ड टू अरे टेक तो सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग। बिल्कुल यार बिल्कुल, नॉट फॉर टेस्टिंग। फूड टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने मैगी खरीदी, तो आप मैगी को लेबोरेटरी में ले जाके अगर आप टेस्ट करते हो और कंपनी को बोलते हो, तो आपको कोई मना नहीं सर कर सकता। ये नहीं हो रहा कंपनी बांट रही है आपको सैंपल के लिए। मैंने किया था कंप्लेन सर, तो 0 लगा था रुपीस फी, पर मेरे ख्याल से इसलिए नो फी तो नहीं है, कुछ तो है। एनीवेज सर्च करूंगा सर। हो सकता है प्रवेश दस डेथ साल क्या है, चेंज हो सर। प्रवेश आंसर क्या है वन इसका, एंड आंसर थ्री क्या आता है? है, 1 एंड 3 है, वन सी एंड थ्री वन है एंड ना, थ्री होगा चलो सर। ठीक है हाँ ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा, ही और शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ फॉल्स, प्रेसिडेंट, नीड नॉट टू मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन बट हैज टू बिकम मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन। तो नो ये तो सर, ट्रू होना चाहिए, होना नहीं क्यों, मेंबर होना चाहिए ना, प्रोटेम स्पीकर के बाद ही तो आप स्पीकर बनते हो सर, एट द स्पीकर के टाइम लिए ऑफ नहीं हिज होना सकता। इलेक्शन। ठीक है, वो प्रेसिडेंट और बाकी सबके लिए है, इफ ई शी स्पीकर इंटेंड के टू लिए। रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रिजिग्नेशन हाँ हैज ट्रू टू बी सर, एड्रेस्ड। ठीक है चलो, टेंथ ट्रू। क्वेश्चन नंबर हाँ 10। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ बहुत इंडिया एंड सही मेनी है सर, स्टेट्स, बिल्कुल सही ट्रू। बात है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एनी होता है एचसी हाँ होता है हाई कोर्ट। वन एंड फोर फिर हाई कोर्ट थर्ड होता में है डिस्प्यूट स्टेट। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ एंड यूटी, ट्रू। ये सही है, सही है, एंड डिस्प्यूट बिटवीन एंड टू मोर और मोर स्टेट, स्टेट ये के भी लिए सही है। भी सुप्रीम नहीं कोर्ट, सर सही है थर्ड सही है। कैसे सही होगा ना सर, हाँ वन थर्ड एंड तो हो क्यों ही नहीं सही है सकता ना, सर। गवर्नमेंट ऑफ ओरिजिनल। इंडिया और यूटी के बीच में कभी डिस्प्यूट आएगा ही नहीं, क्योंकि अच्छा उस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा सुजरेनिटी हाँ रखती है। एडमिनिस्ट्रेटर हाँ है, सर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा उसका। एडमिनिस्ट्रेटर, तो 3 नहीं होगा, 1 एंड 4 होगा सर। पर वन एंड वैसे फोर भी तो इसमें होगा। ऑप्शन भी नहीं है, वो तो 1 एंड 4 ही होगा, हाँ वन एंड वही फोर मतलब, ठीक सेंटी। है चलो। बैक्टीरिया, बायो फंजाई, फ्लावरिंग पेस्टिसाइड्स, प्लांट्स। यस सर, ऑल थ्री आर यूज्ड इन द बायो पेस्टिसाइड्स। सम स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द अबव आर यूज्ड इन बायोपेस्टिसाइड, तीनों यूज होते हैं। ठीक बात है। बायोमास गैसिफिकेशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन, पावर क्राइसिस इन इंडिया, कोकोनट सेल्स, ग्राउंड शेल एंड रिस्क राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन। ट्रू। ट्रू सर, कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओनली। ओनली फॉल्स हो फॉल्स, गया। और ट्रू होते हैं कंबस्टिबल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैस कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन एंड बट नॉट नॉट फॉर इन इंटरनल आईसीस, कम। कर सकते हैं इसको यूज, अब रॉन्ग हो फॉल्स है गया ना, तो मैंने ए हो सकता फॉल्स मार्क है। किया था, मतलब डायरेक्ट यूज की बात करें तो दैट्स व्हाई आई डिड इट। चलो चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ यूवी रेडिएशन इन द वाटर प्योरिफिकेशन। इट इनएक्टिवेट्स एंड किल्स द हार्मफुल कॉन्सेप्ट्स माइक्रोऑर्गेनिज्म, है, पूरा ये कॉन्सेप्ट ही पहला है, तो सही है। ट्रू है सर। सही है, सेकेंड वाला सर, ऑल अनडिजायरेबल, ऑर्डर नहीं है, जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है। ऑल ऑल अनडिजायरेबल। हाँ, और फिर इट कुछ भी हो क्विकन द सकता है। सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर, रिमूव्स टर्बिडिटी, नहीं सर, इंप्रूव्स क्लैरिटी ऑफ वाटर, ये इसका साउंड कोई से लेना देना रिलेटेड है, नहीं। साउंड से सर, अल्ट्रासोनिक से ही होता है सही ये बात। थर्ड वाला। हाँ चलिए वन 14। एंड वन होगा, ग्राफीन, टू डायमेंशनल है, पहला सही है, बाइलेटरल गुड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, वन ऑफ द सेकंड थिनेस्ट एंड थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट, सही है। थिनेस्ट, सही मेड है, ऑफ डार्कली मेड सिलिकॉन, ऑफ सिलिकॉन फॉल्स, एंड हाई कार्बन, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। हाँ थर्ड रॉन्ग हो इस गया, कार्बन, कंडक्टिंग एंड फोर्थ इट कैन इलेक्ट्रॉन्स बी यूज्ड रिक्वायर्ड। इन एलईडी एलसीडी, ठीक है वन चलो, टू एंड फोर होगा। वो छोड़ो, स्टेटमेंट समझो और कैसे आ रहा है ये समझो। लीड, एडिशन ऑफ लीड जस्ट टू गोना पेट्रोल हैज बीन हेड, बैंड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लीड पॉइजनिंग। गुड क्वेश्चन। स्मेल्टिंग ट्रू, मेल्टिंग मेल्टिंग ट्रू है, पेंट पेंट्स में होता है, वन एंड सही थ्री। होगा। पेन एंड पेंसिल के लीड में भी तो होता है, सर वैसे तो मेरा होता है। गलत हुए सर, सर मैंने सब मार्क मैंने किया, वो वन टू चारों थ्री फोर लगाए थे, सब मार्क किए। आंसर अच्छा इसका अच्छा 1 एंड 3 है।
क्योंकि लेड पेंसिल सुने थे पहले से, तो एरोल प्रवेश क्या बोल रहे हैं? कॉस्मेटिक्स। सर मैंने भी 1 2 3 4 लगाया सर। तो इसका मतलब है कि हम सब बह गए, यानी कि आप कह रहे हैं कि हेयर ऑयल कॉस्मेटिक्स में तो बैंड है इसलिए हो ही नहीं सकता, पेंट्स में तो है, स्मेल्टिंग यूनिट्स में भी है, पेन एंड पेंसिल में नहीं है और ना हेयर ऑयल कॉस्मेटिक्स में। नहीं सर हम यूपीएससी नहीं कौन से तेल की बात कर रहे हैं सर वो भी नहीं पता ना, हर तेल यार, में तो हेयर हो नहीं सकता। ऑयल्स, भी सर हेयर हेयर ऑयल्स ऑयल होता है वो सर, 36 वगैरह तरीके में के होते होता हैं है, सर। लीड होता है बंसी। हाँ जी सर लिपस्टिक वगैरह में बोला जाता होता है इसलिए मैंने अरे तो बोला जाता है, कैसे यूज कर लोगे यार, नहीं होगा वो, मतलब होता है। इलीगल तरीके से बात दूसरी, पर लीगली तो नहीं होना चाहिए। देखो लिखा है ना, लीड इंजेस्टेड और इनहेल्ड इज ए हेल्थ हैजार्ड, कैसे हो जाएगा वो लिपस्टिक में? सर और सचिन वैसे अगर आप पेन और पेंसिल का भी सोचो तो पेन पेंसिल तो एट यूज करते वाइड हैं कंज्यूमर बेस यूज करता है, बच्चा यूज करता है, तो वो वैसे भी वो तो बच्चा हेल्थ में वो हैजार्ड था यूज सर, नहीं कर टॉयज में सकते था फिर। 1980s हाँ में, टॉयज में था अब ना, वही लेकिन तो मैं सोचे, हाँ अब नहीं है लेकिन अब तो नहीं थोड़ा लॉजिक। और प्रवेश ये फिर। सोचने की जरूरत नहीं है कौन सा हेयर ऑयल, हेयर ऑयल मतलब तो नॉर्मल हेयर ऑयल की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट, ठीक है चलो कोई नहीं इस, लेकिन देख लो पेपर सेम ही है, 12 हो चाहे 22 हो। स्टेम सेल, स्टेम सेल कैन बी डिराइव फ्रॉम मैमल ओनली, नो सर, इट कैन पॉजिटिव। डिराइव स्क्रीनिंग न्यू पॉजिटिव ड्रग्स, यस इट कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग ट्रू, न्यू ड्रग्स, कैन यूज ट्रू। फॉर मेडिकल मेडिकल थेरेपीज में थेरेपी भी यूज आसान, बिल्कुल करो। आसान है, सिंपल। चलो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, ट्यूबलेस टायर्स, करेक्ट है सर, सही है सर, क्लीनिंग सर्टेन प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो कंपोनेंट। होता है। कौन गलत है सर, सा मैंने सब मार्क किया था, सर? इसमें 1 2 3 है, 1 3 4 आंसर ट्यूबलेस टू है, टायर्स मतलब नहीं है सर, टायर में कैसे होगा? मैंने भी 1 2 3 पर लगाया था। वन ट्यूबलेस टायर में हो सकते हैं सर, बना सकते हैं। आप थोड़ी सर एक एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी में अंदर में डेटा याद करेंगे यार टेक्नोलॉजी क्या है, रबड़ी तो है वो। तो, सिर्फ रबर थोड़ी होता है सर, ऐसे बोले स्टील में, सिर्फ स्टील थोड़ी होता है, अरे क्रोमियम नहीं भी नहीं होता वो है, बात निकल भी और होता है, है, सब ठीक है चीज होता है ट्यूबलेस इसमें, हो होता सकता है है। मतलब, पर लेकिन देखना ये है ना कि ओजोन मतलब प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैंस तो समझ आता है, प्लास्टिक फोम्स भी समझ में आता है, सर्टेन इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लिक्विड टाइप है ना वो, तो वो भी समझ हाँ में आता है। उस फिर चलो प्लास्टिक फोम गुड है सर, हैबिट। फोम और ये तो चल ठीक अरे बन सब कैसे पेपर रहा है सर। प्लास्टिक, हमेशा थोड़ी ना थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी तो रहेगा। चलिए 18, रुक है नेशनल लेबोरेटरी इंक्लूडिंग इंडिया हैवीएस्ट एंटी मैटर, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ एंटी मैटर, इट विल मेक मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन इजियर एंड चीपर। नो सर, इसका कोई लेना देना नहीं उससे। इट विल हेल्प प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्स एंड ट्रू गैलेक्सीज ए मैटर ऑफ एंटी मैटर, ट्रू। इट विल हेल्प अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ट्रू। टू एंड थ्री हमेशा ट्रू। ध्यान रखो ऐसा एक क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन वेव ब्लैक होल, उसमें ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही देखना है, आता है ये फेवरेट एरिया है ये। चलो कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स के एक और क्वेश्चन आ गया, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमेना इन स्पेस, ट्रू सर, थ्री फॉल्स थ्री फॉल्स एस्टेरॉइड है से यार, मतलब ही मोमेंट ऑफ नहीं है कि एस्टेरॉइड एक्सपैंड का क्यों हो मतलब रहा है, है, वो तो ग्रेविटी। अकरेंस ऑफ सुपरनोवा भी मान सकता हूँ मैं। हाँ जी थ्री फोर गलत है। हाँ चलो फोर भी गलत है, जी सर, सुपरनोवा का सर रिलेटेड नहीं, एक्सपैंड क्यों हो रहा है वो एक, अकरेंस सुपरनोवा हो रहा अकरेंस है, है वो ठीक है तो वही अकरेंस। तभी मैंने बोला थ्री और फोर गलत है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स कैन सीवियरली हार्म लिविंग बींग्स इफ दे रीच सुपर सर्फेस ऑफ द अर्थ, सो व्हाट प्रिवेंट्स देम? मैग्नेटिक फर्स्ट, हाँ हाँ सही बात है, चार्ज पार्टिकल्स डाइवर्ट रिवर्ट कर हो रही सकती है। ओजोन लेयर, फर्स्ट ओजोन मैग्नेटिक लेयर, नो सर, उससे मतलब नहीं, मॉइस्चर, नहीं ओजोन का नहीं है सर, वो तो ओजोन से यूवी के यूवी लिए, रेज है, मॉइस्चर 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 से, इससे मॉइस्चर नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चार्ज पार्टिकल है इससे कोई क्या रिलेशन मॉइस्चर से? उससे कोई लेन देन नहीं है। नन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द है तो स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड से होगा। देखो नन ऑफ द स्टेटमेंट एबीसी उस समय भी ऐसा आ रहा है देखो, यानी ये पेयर वाला ये सब वाला ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ही वो कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही। तो करेक्ट आंसर इज 20 ए सर, में क्या ए मारोगे सर, प्रवेश? ए ओनली। 21 ए ओनली, साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया, ओके वेरी गुड क्वेश्चन। डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड कॉमन यूज बाय 1st सेंचुरी AD। ट्रू सर, ट्रांसप्लांट मैंने 2 से एलिमिनेट किया इसको, 2 गलत। सर ये वाला ऑफ क्वेश्चन मैंने इंटरनल, छोड़ दिया सर, ट्रांसप्लांट क्यों भाई छोड़ना ऑफ नहीं है प्रवेश, इंटरनल, अच्छा क्वेश्चन ट्रांसप्लांट है। कैसे कर हाँ लेंगे उस समय? इंटरनल ट्रांसप्लांट थोड़ा ऑर्गन, अरे भाई होता सुश्रुत और चारक कब आ रहा है वो ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है सर, वो तो सर, राइनोप्लास्टी बाकी से हो रहा है, सर्जरी। ट्रांसप्लांट समझ रहे हैं हाँ ज्यादा बहुत प्रमाण हो टेक्नोलॉजी गया, चाहिए।
चलो थर्ड तो करेक्ट है लेकिन, और फोर्थ भी करेक्ट है, जी हाँ सब कुछ ओनली टू गलत है। विथ रिगार्डिंग टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हाँ कॉमन कॉमन बताना निकालना है। है। अवॉइडेंस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटी ऐसा नहीं एक्सट्रीमिटी है, एंड नहीं है जैनिज्म में ऐसा। है, बुद्धिज्म में हाँ नहीं है, बिल्कुल ना, बुद्धि में ये मन है डिफरेंस मान है, लिया है। सेकंड इज करेक्ट, ट्रू टू डिनाइल इज टू करेक्ट, ऑफ थ्री इज करेक्ट। श्योर ठीक है, रिट्रीट चलो। चलो बीस सर बोल। मेरे को 2012 में ही पेपर याद है दिया था, जब तो ये क्वेश्चन आज ओके भी okay. याद है, इंटरनल ऑर्गन वाला ट्रांसप्लांट का, तब भी ये मैंने सुने, ऑप्शन मैंने शायद गलत ही मार्क किया। चलो दिमाग है तेरे में फिर, बहुत बढ़िया। परमिटिंग द नॉन बैंकिंग एनएफसीज टू डू बैंकिंग, इसका कोई लेना देना नहीं सर इंक्लूसिव गवर्नेंस से। सर ओके। अफेक्टिव इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट इसमें मेरा बैंकिंग गलत मीटिंग, हुआ। सर 2 मिनट, बोल भाई। मानसी से मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाई शी इज सेइंग कि इसका कोई लेना देना नहीं है, हाँ भाई एनडी सी एफ सी अगर खुल मैंने जाए 1 2 3 तो। को मार्क किया था। इंक्लूसिव नहीं, वन वन गवर्नेंस नहीं है, की वन बात नहीं हो करें तो सकता। ये गवर्नेंस से रिलेटेड है ही नहीं। अगर एक एनबीएफसी मिनट, कोई मैं है, ऐसे नहीं वो बोल, अगर रूरल एरियाज में काम कर रहा है, नहीं नहीं उसको नहीं अगर ये बैंकिंग सब दे देंगे तो फिर नहीं, नहीं दे देंगे नहीं, इंक्लूसिव तो लंका लग होगा। जाएगी। अरे सुन लो भाई, एनबीएफसी को बैंक नहीं बना सकते, वो है ही एनबीएफसी, हाँ वो यहाँ इसलिए पे ये गड़बड़ है। बनाए, वो अलग है वो बैंक से। सर एनबीएफसी को नॉन बैंकिंग, मैं बता देता हूँ, बोल। एनबीएफसी का बैंकिंग फंक्शन होता ही नहीं, उसका रेगुलेशन हाँ उसको अलाउड बस, नहीं, तो ये डिपॉजिट उल्लू बना एक्सेप्ट दिया, करना ये एनबीएफसी का पर्पज इंक्लूसिव गवर्नेंस ही के नहीं। नाम के ऊपर एनबीएफसी का उल्लू बना दिया। एनबीएफसी कैन नॉट डू बैंकिंग, यानी हाँ सर आपको कैन नॉट यहाँ डू पर बैंकिंग, इट इज बस लिखा खत्म, हुआ सर परमिटेड, बस उसको दे बैंकिंग तो नहीं होगा पावले वाली बात नहीं, वो कर रहा है यार परमिट तू। नहीं कर इंक्लूसिव सकता ना, वो बैंक हो जाएगा ना फिर, वो मतलब एनबीएफसी रहेगा गैंगस्टर्स नहीं। शुड बी अलाउड टू डू रूल ऑफ लॉ, गैंगस्टर्स मस्ट बी गिवन परमिशन, हु हैव गिवन जेल फॉर 6 इयर्स, आफ्टर दैट दे कैन बी अलाउड टू डू रूल ऑफ लॉ, दे कैन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वो वाला बात कर रहे थे। नहीं सर मैं परमिटिंग बेसिकली ये कहना चाह, परमिटिंग नहीं, परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग इज एक्चुअली, ये डुअल हजार्ड क्वेश्चन है ये। आप परमिट कर ही नहीं सकते उसको, नहीं सर बात अगर ही खत्म हो परमिट गई। करते भी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, बट ये गवर्नेंस से रिलेटेड कैसे हो नहीं जाएगा परमिट, मतलब। नहीं परमिट करोगे तो गवर्नेंस से रिलेटेड है, क्योंकि आप वहां तो फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा रहे हो, आप क्रेडिट दे रहे हो, सब कुछ वो गवर्नेंस है, वो सर वो लेकिन आप लोन दे पा रहे हो, फाइनेंशियल गाड़ी का इंक्लूजन लोन। ना गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं हो, यहाँ पे खाली स्पेसिफिक गवर्नेंस से बात कर रहे हैं। नहीं अरे गवर्नेंस हो गई है परमिट इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन मानसी जी। सर, आधार कार्ड देना, पैन कार्ड देना, दैट इज ऑल्सो द इंक्लूसिव हाँ गवर्नेंस। बिल्कुल बिल्कुल है, वो बिल्कुल तो है, वो बिल्कुल है भाई। एक ही बात पे इस क्वेश्चन को मैं गलत मारूंगा, जो मेरे को यहाँ पे समझ आया, तुमने अच्छा डिबेट उठाया, बढ़िया है, लेकिन अगर मैं फोकस करके क्वेश्चन कर रहा हूँ तो नॉन बैंकिंग कंपनीज को बैंकिंग करने नहीं दिया जा सकता। तुम पर्सपेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर हो, कल को अपने डिस्ट्रिक्ट में दे दोगे इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए ये सब करने को, जो तुम वहां नहीं कर सकते, आज भी नहीं सर कर सकते। यहाँ से, यहाँ बात वो गवर्नमेंट बात कर रहे हैं सर, गवर्नमेंट ने अगर दे दिया या आरबीआई ने ऐसा कर दिया, ये कहाँ थोड़ी लिखा है बोल सर आरबीआई ने ऐसा, डिस्ट्रिक्ट या फिर, कहाँ लिखा है आरबीआई ने ऐसा मतलब कर दिया, बकवास ये कर भी रहा नहीं तो बोल तुम। रहा है सर, तो ये भी बात नहीं नहीं कर रहा है ना सर कि गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा, बोल रहे हैं ना, परमिट विच ऑफ करने द पे ऑल फॉलोइंग, ओवर अरे इंडिया भाई कर शट अप, सकते हैं। विच ऑफ नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। नाउ द स्टेटमेंट नंबर वन इज नॉट एसेंशियली, इट इज नॉट एसेंशियल, व्हेन यू चेंज इट्स डोमेन और रोल इट बिकम्स नॉन एसेंशियल। वन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। अब बोलो आंसर क्या है हाँ जी सर, ये 2 3 4 यही है भाई, समझो। आरबीआई कर सकता, मजाक मत लो किसी चीज को। तुम जब खुद कुर्सी पे बैठोगे ना तो एक एक फोन पे हिलोगे तुम, कि यार जो पीछे प्रोटोकॉल है मैं तो वही फॉलो करूंगा। यहाँ तुम एनबीएफसी को सारा बैंक बनाने पे लगे हो। चलो 24 तो ठीक है, आ जाएगा सब कुछ सही है। चलो आगे, ट्वेंटी जी। टेम्पल आके देख फाइव सर, इसमें डी होगा, कोई भी रीजन जो है कुड करेक्ट नॉट नहीं फॉर्म। है हाँ सर। सही बात मैंने है ये बी सारी, लगाया सर। क्यों भाई सर इसमें तो जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ था यार उसमें कैसी दो, बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मानसी, आई क्लैप फॉर यू, चमत्कार हो गया। चलो 26, ये मान प्रवेश, आई स्पीक टू यू लेटर। चलो 26, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आशा ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, बोलो। फर्स्ट इज करेक्ट सर, सेकंड भी करेक्ट है एंड थर्ड भी करेक्ट है, तीसरा बट भी करेक्ट है, नहीं फोर्थ नहीं, चौथा 1 2 3 नहीं कर सकते आप, कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ कंडक्टिंग डिलीवरी डिलीवरी नहीं तो कर कर देंगे सकते। वो लोग, वो तो चलो हेल्थ भाई चलो एक्टिविस्ट्स हैं। चलो 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 आगे चलो आगे चलो, 27 कम ऑन बी क्विक। नाइनटीन नाइनटीन बोलो भाई। मेरा वन गलत एंड है, थर्ड मैंने आर करेक्ट। इसमें मैंने 2 भी हाँ करेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट, टू कैसे कर दोगी यार, सेप्टर इंट्रो, इलेक्ट्रेट 1909 से आए वो हैं। तो 1909 में हुआ है ना। चलो 1 एंड 3 आर करेक्ट, चलो ठीक है। 28
नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब देखो -6। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने सुना भी नहीं होगा, पसीने आ जाएंगे ये सारा पढ़ के, दिमाग खराब। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होगा, मेरे को पता भी नहीं है फिर भी करना है ये। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बन गई, डिफरेंट सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल रीजन यूनाइटेड टू फॉर्म ए सिंगल बॉडी टू डिस्कस द इश्यू ऑफ लार्जर इंटरेस्ट एंड टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएट पिटीशन एंड रिप्रेजेंट। दिस इज नॉट जस्ट पॉसिबल, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो ही नहीं सकता। बंगाल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि सारे एक साथ मिलकर एक बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वॉन्ट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पस। ये पॉसिबल है, 1885 से 1910-15 तक कांग्रेस ने कोई भी सोशल रिफॉर्म का इशू नहीं उठाया था अपनी बॉडी से। दैट्स व्हाई आई कैन थिंक ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2, बट आई विल गो फॉर स्टेटमेंट नंबर 3 ऑल्सो। बेराम जी मालाबारी एंड एम जी रानाडे डिसाइडेड टू ब्रिंग टुगेदर ऑल सोशल रिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑफ द कंट्री अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए सी भी रॉन्ग हो गया। तो अब व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन, मैं बी जाऊंगा, मेरे को बी लग रहा है कि बी आंसर होना चाहिए। अब तुम बताओ क्या है। हाँ सर बी सर। सर चलो भाई आगे, प्रवेश किया था तूने, ये मैंने ये लगा दिया था। दिखाई जरा, ये क्या है, तेरे थप्पड़ लगेंगे। ये लगा दिया था, कैसे लगा दिया, ये लॉजिक ही नहीं बन सकता ये सर तो। सर बी का सर लॉजिक मैंने ये लगाया ना कि ऐसा क्यों होगा कि मतलब कांग्रेस नहीं चाहेगी सोशल रिफॉर्म करना। विपिन चंद्रा पढ़ ले खोल के, सर आज ही। सोशल रिफॉर्म नहीं चाहिए तो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज को भी साथ में लेकर चलना है और साथ हाँ ही साथ सबको लेके रिफॉर्मिस्ट चलना है भाई, तो आप बार बार पे कहोगे कि जमीन जमींदार मतलब कहोगे तो आप वो लेके अंधाधुंध। चलेगा जब गांधीयन मूवमेंट आएगा नाइनटीन हाँ ट्वेंटीज उसके थर्टीज बाद में तब बात करें। छुआछात बंद कर दो, ये बंद कर दो, पैसे कौन देगा कांग्रेस को चलाने के लिए शुरू में। मतलब अगर अपने घर से ही आप अगर रिफॉर्म स्टार्ट करोगे, तो आपके घर में जो बर्तन धोते हैं, आपके जो झाड़ू लगाते हैं, सबसे पहले आप उनको इम्पावर करोगे तो आपका होगा क्या। वो एक टाइम आएगा ना जब उनको इम्पावर कर सकते हो। चलो आगे 29, आई थिंक तीनों ही होने चाहिए ये तो। नहीं सर, प्रेजेंस है अंबेडकर अंबेडकर पार्टी की। हाँ पहला नहीं होगा, प्रेजेंट पहला नहीं होगा, एनवर्कर। प्रेजेंट क्या क्या एनवर्कर लिख नहीं होगा, रखा दूसरा तीसरा टू एंड होगा। थ्री। हाँ चलिए 30, और सर स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। टू पास द रेजोल्यूशन द रेजोल्यूशन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट टू क्रिएट द ऑल इंडस्ट्रीज। चलिए बी है। हाँ 31 पे आओ, सेटिंग अप लार्ज नंबर ऑफ न्यू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग रूरल, इंडस्ट्री। हाँ ये तो नहीं हो सकता सर, पहला नहीं हो सब जब सकता, वहीं बहुत सेट कर मुश्किल। देंगे तो फिर हाँ फिर मोदी जी का क्या होगा टू भाई। स्ट्रेंथनिंग हेल्प हेल्प दूसरा हो ट्रू है सकता सर। है, लोकल सेल्फ हेल्प कॉटेज इंडस्ट्री तीसरा ये भी सब नहीं हो छोटा मोटा सकता, चीज रहेगा। फ्री सेकंड सही है, तीसरा लिखा है सर यहाँ पर, नहीं सर, इसने सेकंड ही ठीक है, फ्री फ्री लिखा है इसने, तो नहीं हो सकता सब्सिडाइज क्योंकि होता तो ओनली सही होता। टू। टू ओनली। चलो चलो आगे चलो, अब देखो आ मल्टी गया मल्टी डायमेंशनल, डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें परचेसिंग पावर पॉलिटी का बात नहीं करता है, ना ही हाँ की नहीं डेफिसिट करता, का बात करता हाँ है। टू और थ्री नहीं करता। रिजोल्यूशन चलो बात आगे, करता है, हाँ चलो चलो वन ओनली। चलो आगे चलो। नोटिसेबल फीचर ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन, पहला पॉसिबल है ठीक है ना। हाँ सर। सेकंड दूसरा में डिजाइन दूसरा फॉर क्रिएशन ऑफ 10 लाख्स ऑफ नहीं, नहीं जॉब्स, ये नहीं काम नहीं 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 है ये बात सर। नहीं करेगा। फाइनेंस कमीशन हाँ काम चलो है, चलो चलो चलो, प्लानिंग कमीशन काम यू हैड टू बी क्विक एंड पर। फास्ट। वैसे भी प्रवेश इसमें लैक्स नोट ऑफ कर सा जॉब्स जो जल्दी लिखा है, वैसे भी क्लियर डिबल। नहीं है हाँ ना। बोल। अरे लैब का जॉब, साले जॉब तो कर ही नहीं सकता वो, चाहे उसमें एक जॉब की बात होगी। हाँ फाइनेंस कमीशन से जॉब की बात करने लगा, फालतू बातें हाँ मत किया करो। चलो आगे 34 33 का लास्ट स्टेटमेंट दिखाओ ऊपर, क्या है डिवोल्यूशन वाला। करेक्ट हाँ है, ठीक है ये ठीक है। चलो लोकल बॉडीज रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ओनर मैन्युफैक्चरिंग करें, सेक्टर, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, ये हो सकता प्रूव है। सिंगल सिंगल विंडो हो विंडोज के सकता रिंग, है, प्रूव ये भी हो सकता है। एस्टैब्लिशिंग टेक्नोलॉजी। चलो 34, चलो 35, 35 का पहला स्टेटमेंट है ये। विद द फॉलोइंग आर द एनुअल मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ कंट्रोल, पब्लिक फंड, मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री बजट कंट्रोल। देखो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर द हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट, ट्रू। विड्रॉज ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, ट्रू। उसके बाद फिर थर्ड में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर पीरियोडिक रिव्यू सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वोट एंड अकाउंट, अकाउंट, ये भी ट्रू। ट्रू है। मिड देन फोर्थ अप्रियोरिटी का लिस्ट, एटलीस्ट अ मिड मिड ईयर ये रिव्यू, वो, ये नहीं होता हाँ सर, मतलब रिव्यू नहीं होता गवर्नमेंट स्कीम्स, अ नहीं होना फोरकास्ट और चाहिए बाकी सब। अभी लिखा नहीं मिड के सर ये हाथ नहीं में नहीं होता है, है, होता तो है, पार्लियामेंट नहीं करती लेकिन ऐसा। नहीं पार्लियामेंट्री सर वो कंट्रोल है लेकिन पार्लियामेंट, ऐसा हाँ कुछ होता पार्लियामेंट नहीं, नहीं करती, पार्लियामेंट नहीं, रिव्यू होता है, रिव्यू हो सकता है लेकिन पार्लियामेंट के पार्लियामेंट हाथ में नहीं है। हाँ। फिफ्थ फिर क्या सही है मतलब, सर, फोर वन गलत हो गया टू ना। थ्री फाइव हाँ जी यस ठीक। चलो आगे, महात्मा नहीं गांधी सर है नाइनटीन तो थर्टी टू पार्लियामेंट के हाथ में ही है, तो कहते पार्लियामेंट के हाथ हैं में, लेकिन बजट नहीं है, बजट ऑफिस नहीं है सर ऐसा कोई। नहीं चला नहीं चला भाई। मिड डे मील बजट नहीं स्कीम है, पूछा है वहां पर पब्लिक अरे से, यार बजट मिड डे मील स्कीम है, उसमें वो क्या रिव्यू करेगा पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाकर रिव्यू कर सकता है, सरकार का काम और है भी तो लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव सर, काम है। हाँ अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एक्सपेंडिचर बाय द ज्यादा पार्लियामेंट हो ऑफ गया इंडिया, ये। मतलब ज्यादा हो गया कि हाँ नहीं। नहीं हो सकता प्रवेश, सोचो कि कोई नहीं, वी आर टेकिंग अवे द लर्निंग। 32 तो वैसे भी इस 52 तरीके का काम तो सीएजी का काम है ना, तभी ये नहीं करे फोरकास्ट ऑफ अरे रिजर्व सीएजी का काम इंटरेस्ट, भी नहीं है ये सब यार, फालतू वही तो दिमाग सर। मत लगाओ। जो क्वेश्चन पूछा गया बस वो वहीं सोचो किसका क्या है वो, नहीं पीरियोडिक और एटलीस्ट मिड, नहीं चला, पीरियोडिक और एटलीस्ट मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, बाई पार्लियामेंट्री कमेटी होता समझ में आता कुछ, वो तो फिर भी कुछ बोल सकती है, पार्लियामेंट कहां से बोल देगा डायरेक्ट, नहीं हो सकता ऐसा। चलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है। रैमसे मैकडोनल्ड 1932, महात्मा गांधी, कम्युनल अवार्ड का गैस। हाँ रैमसे मैकडोनल्ड है तो सी आएगा ना इसका। चलिए 37 रेवत वारी सेटलमेंट, द रेंट वॉज डायरेक्टली पेड बाई द पेजेंट टू द ट्रू गवर्नमेंट, ट्रू सर, द ट्रू गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रेट्स, ट्रू, लैंड ट्रू पे ट्रू द सर्वे लैंड्स एंड वर सर्वेड, बिल्कुल ट्रू। एक्सेप्ट हाँ ट्रू। महलवारी भी सर्वे हुआ था। चलिए नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रेंड, पहला हाई बर्थ अब ध्यान रेट, से देखो हाई इसको। डर्थ, हाई डेथ, अरे लो उसके लो बाद लो बर्थ रेट, पहले लो हाई पहला बर्थ हाई, रेट नहीं और सर हाई हाई से शुरू होगा स्टेजेस, ना, अच्छा हाई स्टेजेस पूछ बर्थ रहे हो, रेट भी स्टेजेस होगा, बताना, हाई हाई डेथ भी बर्थ होगा। रेट, हाई डेथ, फिर हाई हाई बर्थ बर्थ रेट, रेट दो लो हाई डेथ, बर्थ लो रेट, बर्थ लो रेट, डेथ, लो फिर लो डेथ। बर्थ प्रवेश रेट और लो डेथ। ठीक है तेरा भी है? हाँ 2 3 हाँ जी सर, 2 3 1। ठीक है चलो आगे। 39 ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एट कोर इंडस्ट्रीज ये में भी टेक्सटाइल कंबाइन नहीं होता सर, कंबाइन सीमेंट, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, कोल, टेक्सटाइल्स नहीं स्टील, ये होता। सब होता है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल तो टेक्सटाइल। नहीं होता। चलो आगे, प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी, आज बियरिंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन मतलब सब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी भी सब कोई आएगा बात रूल, करेगा ही। मैंने हाँ 3 और 4 इसमें डीपीएसपी एलिमिनेट कर दी। है, बात क्यों कर दिया भाई, 5th शेड्यूल में नहीं होगी पढ़ाई? करेगा हेल्थ केयर, बात करेगा हर चीज, बात करेगा, वहां कुछ नहीं बता नहीं रहा कि कौन सिस्टम बैठा रहा है, कमेटी है कुछ, कंफ्यूजन हो सिर्फ बियरिंग है एजुकेशन में बात यार, कर। हाँ बियरिंग वेरी गुड, तुम लोग ज्यादा मतलब समझो यार, थोड़ा सा माइंड को चलाओ। सी बकथॉर्न, चलिए ये पहला गलत है, करेक्ट है सर, सी बकथॉर्न, पहला करेक्ट है, पहला कूलिंग प्लांट करेक्ट इट है हेल्प्स इन सर। प्रिवेंटिंग डेजर्ट, ठीक सेकंड, बात है, रिच सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ बायोडीजल, बायोडीजल, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ट्रू। थर्ड में हाँ आते हैं, थर्ड अगेन ये में ट्रू है, न्यूट्रिशन वैल्यू, हाई ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है ना सर यहाँ, तो मुझे लगा लद्दाख, सी बक लद्दाख, है, नहीं, सी लद्दाख बकथोर्न वगैरह है, आर्मी ने तो कुछ किया था सी इसको। लेवल अरे आया भाई ज्यादा रिच वाले सर, एरिया देखो में था। हाँ ये न्यूज में था ये काफी, बट सर कौन जो पहले से है, सोयाबीन सी है आंसर वो इसका, बायोडीजल की तरह यूज किया जा सकता है, तो मैंने तुक्का और थॉर्न है लगाया। तो टिम्बर वैल्यू थोड़ी होगा सर इसका, तो फोर्थ नहीं फोर नहीं होगा, होगा इसमें, वन फोर ए नहीं वन होगा थ्री होगा इसका, इसका मतलब आंसर, 1 एंड 3 होगा इसका। हाँ चलो, तो यानी टू का टू करेक्ट है कि नहीं है, बायोडीजल की तरह यूज हो नहीं सकता है ये, सर, हो सकता है, इसका जो नहीं ऑयल है वो होता नहीं है, नहीं सर, होता है हो सक नहीं है सर, है, मैंने चेक किया एक है। सेकंड है, चलो ठीक है आगे चलो, मिक्स्ड फार्मिंग, बोथ कल्टीवेशन एनिमल एंड बोथ कल्टीवेशन ऑफ कैश रियरिंग क्रॉप्स एंड एनिमल, फूड क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप, रियरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन क्रॉप टुगेदर, सी आएगा सी इसका। होगा। हाँ जी सी होगा, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, सब समझ लेना क्या क्या है, हाँ जी गलत तो नहीं है प्रवेश? नहीं सर, मेरा सी चलो भाई आगे। है, अरुणाचल प्रदेश होगा, लोकेटेड ऑन द सेम बिल्कुल, लैटिट्यूड जो राजस्थान के थ्रू पास होती है, 80% 80% ऑफ एरिया अंडर वेजिटेशन फॉरेस्ट कवर। कवर, सी बकथॉर्न कैन बी यूज्ड इन बायोडीजल, हाँ बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, ओवर 12% फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्टिव एरिया, ठीक बात है। अरुणाचल प्रदेश होगा, आसाम नहीं हो सकता, हिमाचल तो हो ही नहीं सकता, उत्तराखंड भी नहीं हो उत्तराखंड भी सकता। ऐसा होता है सर, तो यूज हो गई, चलिए 44, चलिए 44 44 काउ पी, ग्रीन पी, पीजन पी, मैंने इसमें सारे सबको यूज पल्स कर पाउडर सकते एंड हैं, ग्रीन मैंने, और तीनों चीजें सभी मैंने को कर उसका यूज कर सकते आंसर 1 एंड 2 है, हैं, लेकिन व्हाट आंसर इज 1 एंड 2 2 है, पीजन पी नहीं हो सकती, नहीं कमाल है यार, नहीं सर, क्यों? अब देखो ये है ना सोचने वाली बात, पीजन पी का हिंदी दिखाना जरा एक बार यार, नीचे कर जरा, नीचे नीचे होगा, नीचे मतलब नीचे होगा ना इसके, वाले पे, मतलब नेक्स्ट पेज पे ऊपर सर, ले वो जाना, अरे नेक्स्ट जैसी भाषा पेज, में लिखा होगा लोबिया, मूंग और मूंग, अरहर, अरहर भैया खाद में करोगे तो खाओगे क्या, अरहर की अरे दाल ही डेढ़ दाल सौ दो सौ होती रुपये है किलो ना। हाँ जी बिल्कुल होती है। सर, मूंग भी तो खाते ही सर, अरे नहीं सर मूंग तो फिर मूंग भी भी, होता है, लोबिया भी मूंग तो होता है, फिर मूंग को भी भी अलग होता है, हरे खाद में, ये तो लोबिया खिलाने की बात कर नहीं रहे सर, नहीं नहीं लोबिया खिलाया जाता है,
लोबिया और मूंग तो खिलाया जाए, आरआर तो बहुत महंगी और वैसी है यार, आई दैट्स व्हाट आई बिलीव सो। बॉर्डर भी लिखा था ना आरआर सर। पढ़ के, आरआर पढ़ के हम पकड़ सकते थे। एनीवेज वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू द लिंक। थैंक यू।